नमस्कार, आप देख रहे हैं चौथा स्तंभ डिजिटल न्यूज और मैं हूं आपके साथ अंजलि। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की बड़ी खबर से। मधुबनी जिला प्रशासन एवं नेहरू युवा केंद्र के संयुक्त तत्वाधान में जिला स्तरीय युवा उत्सव कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसका डीएम अरविंद कुमार वर्मा ने दीप प्रज्वलित कर विधिवत उद्घाटन किया। जिलाधिकारी अरविंद कुमार वर्मा द्वारा उत्सव गार्डन काली मंदिर के निकट के प्रांगण में जिला प्रशासन एवं नेहरू युवा केंद्र मधुबनी भारत सरकार के संयुक्त तत्वाधान में आयोजित जिला स्तरीय युवा उत्सव कार्यक्रम का उद्घाटन दीप प्रज्वलित कर किया गया। युवा उत्सव कार्यक्रम में उपस्थित प्रतिभागियों को संबोधित करते हुए जिलाधिकारी ने कहा, इस प्रकार के आयोजनों से युवाओं को अपने अंदर छुपी प्रतिभा को निखारने का मौका मिलता है। उन्होंने कहा कि आजकल अभिभावक केवल पुस्तकीय पढ़ाई पर विशेष जोर देते हैं, जबकि व्यक्तित्व के सर्वांगीण विकास के लिए व्यक्ति के अभिरुचियों के काम में कुछ समय जरूर देना चाहिए। पढ़ाई तो जरूरी ही है, परंतु खेल कूद कला संगीत आदि में शामिल होने से खुशी तो मिलती ही है, साथ ही व्यक्तित्व का संपूर्ण विकास भी होता है। उन्होंने उपस्थित प्रतिभागियों को शुभकामना देते हुए कहा कि जिला स्तर पर चयनित होकर आप राज्य स्तर पर जाएं और उसके बाद राष्ट्रीय स्तर पर जिले का नाम रोशन करें। उन्होंने कहा कि युवाओं के अंदर कुछ हासिल करने के हेतु प्रयास करने के लिए विशेष ऊर्जा होती है, आवश्यक है उस ऊर्जा का इस्तेमाल सकारात्मक कार्यों के लिए किया जाए, इससे परिवार के साथ साथ देश के लिए भी उपलब्धियां हासिल की जा सकती है। इसलिए हमेशा सकारात्मक सोचें और रचनात्मक कार्यों में हिस्सा लें। आपके भीतर का टैलेंट सकारात्मक चीजों को बढ़ावा देने के लिए बाहर आना चाहिए। जिलाधिकारी ने अपने संबोधन में आज के युग में मोबाइल तकनीक के दुरुपयोग के संबंध में युवाओं से अपील भी की। उन्होंने कहा कि मोबाइल का गलत इस्तेमाल दोधारी तलवार जैसी है, एक तरफ इससे जहां समय की बर्बादी देखी जाती है, वही नकारात्मक कंटेंट से युवा गलत दिशा में चलायमान हो रहे हैं। युवाओं को मोबाइल का सही इस्तेमाल सीखना होगा, ताकि जीवन की बड़ी उपलब्धियों को हासिल किया जा सके। इससे आने वाले दिनों में जिले से अच्छे टैलेंट देश को मिलेंगे। उन्होंने नेहरू युवा केंद्र के सभी अधिकारी और वॉलंटियर को निष्पक्ष और सफल कार्यक्रम की शुभकामनाएं दी और सभी प्रतिभागियों को उनकी उपलब्धियों के लिए प्रेरित किया। उक्त अवसर पर उप विकास आयुक्त विशाल राज, नेहरू युवा केंद्र के राज्य निदेशक अंशुमन प्रसाद दास, जिला युवा अधिकारी नेहरू युवा केंद्र सहित बड़ी संख्या में प्रतिभागी उपस्थित थे। चौथा स्तंभ ब्यूरो रिपोर्ट। खबरों में अपने के लिए बस इतना ही, मिलते हैं फिर ऐसे ही बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए चौथा स्तंभ डिजिटल न्यूज। मधुबनी जिले सहित आसपास की खबरों को देखने के लिए बने रहिए हमारे साथ। हम आप तक हर छोटी बड़ी खबरों को पहुंचाते रहेंगे। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। Facebook पर चौथा स्तंभ डिजिटल पेज को फॉलो करें। खबरों को विस्तार से पढ़ने के लिए हमारे न्यूज वेबसाइट www.4thastambhdigital.com पर जाएं।